हेलो दोस्तों, सीबीएसई और क्लास 10 के बच्चों का साइंस का पेपर जो है दोस्तों 10 मई को होने वाला है। तो आप लोग की साइंस की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? एनसीईआरटी आपने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो 10 मई को साइंस के पेपर को देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट ऑल जो है आपका फिजिक्स के जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो है शॉर्ट समरी नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट गारंटीड क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है हर एक 10 के बच्चों के लिए जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की फटाफट हम शुरुआत करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से सीबीएसई वो जो है आपके भर भर के न्यूमेरिकल पूछने वाली है। तो न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट समरी नोट देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट, एम्पियर, तो यहाँ पे जो है सारी चीजों आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करेंट का फॉर्मूला हो गया, साथ ही साथ जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीटली देख लीजिए 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 1 किलो एम्पियर क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड जो है आपके एसआई यूनिट भी आपको आना चाहिए, एसआई यूनिट से भी डायरेक्ट वे में जो है 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो एसआई यूनिट को भी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से डिजाइन कराया गया है हर एक टॉपिक, यहाँ पे देखिएगा टॉपिक नंबर 4 पे देखिए तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक नंबर 5 पे देखिए तो यहाँ पे वोल्ट है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स की तैयारी में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये कंटेंट। ओम्स लॉ आप लोग के लिए इस बार जो है स्टार है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ओम्स लॉ भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी सीबीएसई बोर्ड जो है डायरेक्ट वे में आपको सवाल पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए वीआई ग्राफ भी आप लोग देख लीजिए, ये आपका वोल्ट वाले में है, वीआई ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीजें आपको एक से बढ़कर एक जो है यहाँ पे चीजें मिलेगी। रेसिस्टेंस भी आप लोग का इस बार एक स्टार मार्क वाला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रेसिस्टेंस को पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे भी बढ़ूं तो यहाँ पे हर एक चीज जो है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आपको ये फिजिक्स की तैयारी में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों को टेलीग्राम पे नहीं भी मिल पाएगा तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है डायरेक्टली वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे बच्चों को जो है अभी रिसेंटली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को टेलीग्राम पे नहीं मिलता है क्योंकि वो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। तो जो बच्चे चलाते हैं उनके लिए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। जो कि लेकिन जो बच्चे नहीं चलाते हैं आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सिंपली जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोनों का लिंक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे टॉप पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक कर चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए, जो है ये चीजों को कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे हर एक चीजों को देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख लीजिए जूल्स ऑफ हीटिंग का, तो ये सारा चीज जो है आप लोग यहाँ पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इन सभी टॉपिक्स के जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 2-2 नंबर के जो है कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप लोग के लिए होने वाले हैं, काफी हेल्प करेगा आपको इस बार के एग्जाम्स की तैयारियों में। तो यहां पे देखिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, यहां पे देखिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, ये भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी चीजें आप लोग के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहां पे देखिए 3 नंबर में आपको बता रहा था कि ओम्स लॉ पढ़ लीजिए, यहां पे देखिए डायरेक्टली वे में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड बोल रही है ओम्स लॉ को डिफाइन करिए, ओम्स लॉ को डिफाइन करने के बाद जो है आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, वीआई ग्राफ, वीआई ग्राफ मैंने अभी आपको जस्ट पहले दिखाया था, तो वीआई ग्राफ हो गया, ओम्स लॉ हो गया, तो सिंपल सिंपल डायरेक्ट में भी सवाल इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तो सभी चीजें आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके मिल जाएगी। तो ये जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल हो गया, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, ये एक न्यूमेरिकल हो गया, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी सीबीएसई बोर्ड जो है काफी बार पूछ चुका है, तो ये न्यूमेरिकल भी एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टार वाला हो जाता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। अगला जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका फिजिक्स का चैप्टर होने वाला है। तो यहां पे सबसे पहले ऊपर देख लीजिए आपको क्या क्या चैप्टर जो है आपका रिवाइज हुआ है, डिलीटेड पोर्शन क्या है, जो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, तो सारी चीजें आप लोग को यहां पे स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यहां पे देखिएगा राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 नंबर का सवाल है, तो इस सारी चीजों को यहां पे पढ़ लीजिएगा। यहां पे प्रॉपर्टी देख लीजिए, टोटल 5 प्रॉपर्टी है, तो इन प्रॉपर्टीज को
अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को भी देख लीजिए यहाँ पे। साथ ही साथ जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के रूल को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में भी आपको सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सवाल भी है, तो इस टाइप के सवाल को भी अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। तो ये सवाल को पढ़ लीजिएगा, सोलेनोइड को पढ़ लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस बार आपके टर्म टू के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो सारा का सारा जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, इस बार जो है इलेक्ट्रिक मोटर आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो है प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, प्लस में ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस डायग्राम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये डायग्राम को हर एक बच्चे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ये डायग्राम को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, प्लस इसके फंक्शंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछेगी, देन ये वाला जो है आपको डायरेक्टली फंक्शन भी साथ साथ पूछ लेगी, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज भी पूछ ले जाएंगे। तो ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी चीजों को देख लीजिए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है इसका पूरी कंप्लीटली पीडीएफ को जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। आवर एनवायरमेंट का भी जो है पूरा का पूरा जो है फुल कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आवर एनवायरमेंट आपका 5 नंबर का है, तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा आवर एनवायरमेंट चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। जय हिंद।